रोशनी की कॉलेज की फीस जमा नहीं हुई? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसको 1.5 लाख रुपए अपने हाथ से दिए थे ताकि वो कॉलेज में फीस जमा कर सके। ओके सर, मैं बात करता हूँ उससे, है ना? जी जी, मैं फीस जमा करवाता हूँ। रोशनी ने फीस जमा नहीं करी तो उसने 1.5 लाख रुपए का किया क्या? सीधे जाके पूछता हूँ। रोशनी। हाँ भैया। और कॉलेज कैसा चल रहा है? कॉलेज तो सही चल रहा है। अच्छा, मैं वो बोल रहा था कि ना, जो मैं तुम्हें फीस के लिए पैसे दिए थे वो तुमने जमा करा दिए? हाँ, वो तो मैंने डिपॉजिट करा दिया। अच्छा, फीस स्लिप दे दो। वो क्या है ना, CA को देना है, मंथ का लास्ट डे है ना, इसलिए। वो स्लिप, वो भैया पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। मैं आपको बाद में ढूंढ के दे दूंगी ना। अच्छा ठीक है, मुझे जल्दी दे देना, वो देनी है ना मेरे को। हाँ हाँ, मैं आपको ढूंढ के दे दूंगी। और सब पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है ना? हाँ सब ठीक चल रहा है। अच्छा अब आप जाइए, मेरे को ना पढ़ना है थोड़ा, तो डिस्टर्ब होगा मुझे। अच्छा ठीक है। हेलो। हाँ तुषार, क्या और पैसे चाहिए? यार अभी तो मैंने पैसे किए थे ना, तुम्हें पता है मैं 1 महीने से कॉलेज भी नहीं गई हूँ। मैंने पूरी फीस तुम्हें ही दे दी है, अब मैं और पैसे कहाँ से लेकर आऊँगी? यार भैया को पता है मेरे पे शक भी हो गया यार। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ अरेंज करती हूँ। हाँ हाँ, मैं कल तक कर दूँगी, मैनेज कर लूँगी मैं। चलो ठीक है, बाय। भैया वो मुझे ना 10,000 रुपये चाहिए थे कॉलेज के लिए बुक्स लेनी है। 10,000 रुपये बुक्स के लिए? अच्छा वैसे तुमने कुछ टाइम पहले तो बुक्स ली थी। हाँ वो पहले की थी ना, अभी न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तो उसकी वजह से न्यू बुक्स चाहिए। अच्छा वैसे तुम क्या करोगी बुक्स लेकर? तुम तो पिछले 1 महीने से कॉलेज ही नहीं गई ना। अरे भैया वो क्या, वो तुम मुझे इतने टाइम से पागल बना रही थी? तुमने मुझसे हमेशा झूठ बोला। तुम जब भी घर से बैग लेके निकलती थी तो मुझे तो लगता था कि तुम कॉलेज जाती हो, लेकिन नहीं, मैं कितना बड़ा बेवकूफ था ना। तुम कॉलेज का बहाना देकर कहीं और जाती थी। भैया लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। क्या बात सुनूं मैं? तुमने कुछ सुनने लायक छोड़ा है? कितना ट्रस्ट था मुझे तुम पे, लेकिन तुमने ना मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। और ये बताओ, वो जो मैंने फीस के लिए 1.5 लाख रुपए दिए थे वो पैसे कहाँ हैं? तुमने ना तो फीस जमा करी। मुझे ना तुम्हारे कॉलेज से मुझे फोन आया था कि तुमने अभी तक कॉलेज की फीस जमा नहीं की है। वो कितना कुछ बोल रहे थे मुझे। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि मैंने तो फीस पहले ही दे दी है, लेकिन मेरी प्यारी बहन उन्होंने कैसे अय्याशी में उड़ाती है या फिर किसी लड़के को दे दी है। नहीं भैया, पर आप मेरी बात क्या बात सुनूं रोशनी, मैं तुम्हें बता भी है पैसे कितनी मेहनत से कमते हैं। तुम्हें कैसे बताऊंगा, आज तक तुमने पैसा कमाया ही नहीं है। जब तुम खुद अपनी मेहनत से पैसे कमाओगी ना, तब तुम्हें 1 रुपए की भी वैल्यू होगी। और तुमने 1.5 लाख रुपए ऐसे ही उड़ा दिए। तुम्हें पता है मैंने अपने शौक मौज बंद करके, अपनी ख्वाहिशें मार के तुम्हें इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भविष्य अच्छा हो, तुम्हें अच्छे एजुकेशन मिल सके। लेकिन नहीं, तुमने इसके लायक ही नहीं हो, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारे लिए इतना सोचता था, तुम मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी थी इसी दिन के लिए। भैया एक बार आप मेरी सुन तो लो, आप मुझे कुछ बोलने नहीं दे रहे हो, मैं आपको कैसे बताऊंगी पूरी बात? रोशनी मैं क्या सुनूं अब, तुमने अब सुनने लायक छोड़ा ही क्या है? रोशनी मुझे तुम्हारे ऊपर कितना ट्रस्ट था, और फिर तुम्हें तो पता है ना, माँ बाप के जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं ही था तुम्हारे पास, मैंने तुम्हारी परवरिश की और तुमने उस परवरिश का ये सिला दिया मुझे। भैया आप मेरे को बोलने तो दो, पूरी आप बात तो सुन लो कि वो पैसे कहाँ गए कहाँ नहीं गए। आपको जानना है ना, वो पैसे मैंने बुआ को दिए हैं। आपको पता भी उनकी कितनी तबीयत खराब है, उनका ऑपरेशन हो रहा है और उनके साथ उस टाइम पे कोई भी नहीं था। पैसों की उनको कितनी जरूरत थी, उन्हें 3 लाख रुपए चाहिए थे तब मैंने अपने कॉलेज की फीस उन्हें दी। आपने तो उनसे बात करना छोड़ दिया, आपको तो पता भी नहीं कि वो कैसी क्या हालत में है। तब उन्होंने मुझसे पूछा, इसलिए मुझे उनकी हेल्प करनी पड़ी। आपको पता है मैं 1 महीने से कॉलेज क्यों नहीं गई? क्योंकि मैं उनके हॉस्पिटल जा रही थी उनके चेकअप करवाने के लिए, और आप मुझे कितना उल्टा सीधा बोल रहे हो। आपको पता है तुषार आपको तो कॉल कर नहीं सकता, इसलिए उसने मुझे कॉल किया पैसों के लिए, जिससे कि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। और आज भी मैं जो पैसे आपसे मांगने आई ना, वो भी सिर्फ उसी के लिए मांगने आई थी। आपको क्या लगा मैं अय्याशी कर रही हूँ पैसों का? आपने बिना सोच समझे मुझे इतना सब कुछ कह दिया। आपको पता है आपने तो बुआ से रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन मैं उनको नहीं भूल सकती। उन्होंने मैं पाल पोस के बड़ा किया है, कितना प्यार करती है वो हमसे, और आपने एक झटके में उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। कैसे? और रोशनी मुझे माफ कर देना,
इतना कुछ बोल दिया जाने अनजाने में, कितना गलत समझा मैंने तुम्हें। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर इतने झूठे झूठे एलिगेशंस लगाए, इतना ब्लेम किया तुम्हें, आई एम सॉरी। और हाँ, हमने एक काम करते हैं, हम ना जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं, बच्चे की तबीयत खराब है ना, और ना मैं कुछ पैसे भी ले लेता हूँ, अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो हम दे देंगे। चलो।